So, आज हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर इन मेजरमेंट्स के अंदर जो हमारा पास्कल और हाइड्रोस्टैटिक लॉ हमने अभी जस्ट पढ़ा है उसके ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स करने वाले, ठीक है ना। तो कल तो एक न्यूमेरिकल किया था हमने, रिम रैम और प्लंजर वाला, सेम वैसा का वैसा एक और न्यूमेरिकल है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो हाइड्रोलिक प्रेस हैज अ रैम ऑफ 20 सेंटीमीटर डाया, ठीक है। इसमें भी सिंपल वही न्यूमेरिकल है, पर जो हमारे पास गिवन चीजें है वो अपन पहले लिख देते हैं, ठीक है ना। लेट्स से मैं सॉल्यूशन वन करके अपनी गिवन चीजें लिख देता, एक तरफ मैं रैम लिख देता हूँ, ठीक है, और एक तरफ मैं अपना प्लंजर लिख देता हूँ। प्लंजर छोटा था साइज में, आपको मैंने कल बताया था, ठीक है ना, और रैम जो था वो बड़ा था, ठीक है। ये बता रहा है कि जो रैम का डायामीटर है वो है 20 सेंटीमीटर, हाइड्रोलिक प्रेस एज अ रैम ऑफ 20 सेंटीमीटर आया, बड़ा है तो मैं इसको कैपिटल डी से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है ना। एंड अ प्लंजर ऑफ 3 सेंटीमीटर आया, प्लंजर जो है वो स्मॉल डी, अपन उसको नाम दे देते हैं, मतलब एनोटेशन दे देते हैं, और 3 सेंटीमीटर का है वो। इट इज यूज फॉर लिफ्टिंग अ वेट ऑफ 30 न्यूटन, मतलब कितने कितने का वजन उठा रहा, 30 किलो न्यूटन का वजन उठा रहा, तो वो कौन उठाएगा, वो रैम उठाएगा, ठीक है ना। तो रैम पर लेट्स से कैपिटल डब्ल्यू है हमारे पास 30 किलो न्यूटन। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड एट द प्लंजर, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा, फोर्स मतलब वेट, दैट इज स्मॉल डब्ल्यू कितना होगा प्लंजर पे, वो क्वेश्चन है। फोर्स वेट एक ही अपने केस, ठीक है, वो कितना होगा हमको ढूंढना है। तो सिंपल है, पास्कल लॉ यूज करेंगे, ठीक है। हम पहले हम क्या करते हैं, इनके एरियाज कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं और यहाँ पे इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके। सो सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, एरिया निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसका अपन निकाल देते हैं, एरिया ऑफ रैम, ठीक है, रैम का एरिया निकाल देते हैं, क्योंकि सर्कुलर ही है, तो इट विल बी पाई बाय 4 कैपिटल डी का स्क्वायर। क्यों कैपिटल डी सर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कैपिटल डी है, दैट इज रैम का डी कितना है 20, बट 20 सेंटीमीटर इज नॉट इन द एसआई यूनिट, तो वी मस्ट हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, तो 100 से डिवाइड कर देना, इट विल बी 0.2 मीटर, ठीक है। सेम गोज विद प्लंजर्स डायमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, तो इट विल बी अराउंड 0.03 मीटर, है ना, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा इसलिए, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास 30 किलो न्यूटन है, हम कभी किलो न्यूटन नहीं लेते, हम लोग न्यूटन में चलते हैं, तो आई विल राइट इट 30 × 10^3, क्योंकि किलो में 3 होते हैं, तो इट विल बी अराउंड 30,000 न्यूटन, है ना, सेम लाइक दैट। सो ये तो हो गया हमारा रैम और ये हो गया हमारे पास प्लंजर। एरिया निकाल देना, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, दैट इज पाई बाय 4, डी की वैल्यू हो गई हमारे पास 0.2 का स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। टेक द कैलकुलेटर, Well, on it, पाई का आपके यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है ना, अगर आपको कैलकुलेटर में नहीं पता हो तो आप शिफ्ट दबाना, ठीक है, और यहाँ पे ईएक्सपी जो है ना इसके ऊपर पाई लिखा होगा, ठीक है ना, अभी शायद आपको हो सकता है ध्यान से नहीं कि, पर यहाँ पे पाई होता है, तो आप सीधा पाई यहाँ से भी ला सकते हो, ये पाई आ गया डिवाइड बाय 4, ठीक है, इट इज अराउंड 0.78। ध्यान रखना आपको सिविल इंजीनियरिंग में पाई बाय 4 बहुत बार आएगा, आरसीसी में आएगा, बहुत सी जगह पे आएगा, तो पाई बाय 4 की वैल्यू याद कर लो, 0.785 की वैल्यू होती है, सिंपल, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सिंपल एक बार यहाँ लिख दूंगा 0.785, 0.2 का स्क्वायर, ठीक है, तो कैलकुलेटर में 0.785 है, इनटू 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो आई जस्ट राइट इट 0.2 है अपने पास, ठीक है, तो आई डिड इट 0.2। अगर स्क्वायर करना है तो यहाँ पे ये अप की बटन होती है, इससे आप स्क्वायर कर सकते हो, ब्रैकेट क्लोज कर देना, ब्रैकेट का बहुत यूज होता है, ठीक है ना, ब्रैकेट के बिना आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, तो इट इज अराउंड 0.0314, ठीक है, तो आई राइट इट 0.0314 आपका मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर रहेगा, क्यों, क्योंकि हम सब मीटर में लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। सो ऐसे हम लोगों को क्या करना है, चीजें धीरे धीरे करनी है। लेट्स मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, बीच में ज्यादा जगह आ रही है। नाउ आई एम हैविंग द प्लंजर, नाउ प्लंजर का भी एरिया निकाल देते हैं अपन लोग, एरिया ऑफ प्लंजर, ठीक है, एरिया ऑफ प्लंजर कैसा आ जाएगा हमारे पास, पाई बाय 4, उसका डाया का स्क्वायर, उसका डाया कितना है 0.03, 0.03 का स्क्वायर, नौ पाई बाय 4 हम जानते हैं 0.785 होता है, I'll just write it as it is and 0.03 का स्क्वायर। कैलकुलेटर्स अलाउड है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुमको, ठीक है ना, पाई बाय 4, ठीक है, दैट इज 0.785 इनटू ब्रैकेट स्टार्ट 0.03 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर का एक यहाँ पे ऑप्शन भी है सीधा, इससे भी कर सकते, ठीक है ना, इज इक्वल टू, दिस इज अराउंड 0. मतलब बहुत छोटा रहा, अराउंड 7.068 × 10^4 आएगा, छोटा है प्लंजर इसलिए 0.68 × 10^-4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास एरिया वेरिया निकालने वाला, ठीक है सारा। अब हमको मेनली ये देखना है कि ये वेट कैसे निकालेंगे, तो इस वेट को निकालने के लिए सबसे पहले हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना, वी मस्ट हैव टू चेक फॉर द डायग्राम, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ एडजस्ट, ताकि मेरा पेपर जो है वो आपको दिखता रहे।
ये ओके चलो ना. अब डायग्राम अपना कैसे बनेगा, डायग्राम में एक बार रफली फटाफट बना देता हूँ. इधर होगा हमारे पास दैट इज रैम और इस तरफ होगा हमारे पास जो छोटा होता है डायमेंशन में दैट इज प्लंजर. ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास रैम एंड दिस इज हियर एज प्लंजर. ठीक है, ये हो गया प्लंजर. तो ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे जो आपका लोड है अगर वो 30 किलो न्यूटन है, ठीक है, जो कि नीचे की तरफ जो कि हमको उठाना है, सॉरी ऊपर की तरफ लगाना है, तो मेरे को यहाँ पे इस जगह पे कितना फोर्स लगाना होगा, मतलब मैं कितना फोर्स लगाऊंगा कि इधर से 30 किलो न्यूटन वेट मेरा लिफ्ट हो जाए. ठीक है, और इसके अंदर जो भी कोई फ्लूड है, तो हमारे पास फ्लूड है, ठीक है ना, फ्लूड का अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ जो भी प्रेशर फोर्स यहाँ लगेगा तो प्रेशर विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो उनको प्रेशर यहाँ चाहिए वो प्रेशर यहाँ भी होगा. ठीक है ना, आइदर वे एक ही काम होने वाला है हमारे पास. ठीक है ना, तो आप कैसे भी घूम के जाओगे तो आपको काम वही मिलेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं निकालता हूं दैट इज प्रेशर एक्टिंग ऑन द रैम. रैम पे मैं प्रेशर निकालूंगा. सर रैम पे क्यों निकाल रहे, क्योंकि रैम पे मेरे पास फोर्स भी है और उसका एरिया भी है. एरिया हमने अभी जस्ट निकाल दिया, तो प्रेशर हो जाता है अपना फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स है हमारे पास 30,000 न्यूटन. ठीक है, किलो न्यूटन मत लेना. ठीक है, डिवाइड बाय इट्स एरिया. ठीक है, तो इसका एरिया कितना है, एरिया ऑफ रैम है 0.0314. ठीक है, तो मेरे पास ये प्रेशर आ जाएगा. ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ 30,000 डिवाइड बाय 0.0314 एंड आई प्रेस इक्वल, तो इट इज अराउंड 95514.01 प्रेशर है, तो इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, 30,000 डिवाइड बाय 0.034, हम ऐसे ही रहने देंगे. अगर इसको यहां सॉल्व नहीं करूं तो भी चले. ठीक है ना, नो नीड टू वरी अबाउट इट. ना अब ये प्रेशर कहां जाएगा, ये प्रेशर यहां पे जनरेट हो रहा है इस जगह. ठीक है, तो ये प्रेशर सेम अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ यहां पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ pressure will be distributed equally in all the directions. ठीक है ना, pressure will be distributed equally in all directions. As simple as that. ठीक है, तो अब pressure on the plunger side will be equal to force on plunger जो कि हमको निकालना है अपॉन द एरिया ऑफ प्लंजर. है ना, सिंपल इज दैट. बट हमारे पर प्रेशर तो पहले से ही है क्योंकि प्रेशर ऑन जो प्लंजर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस प्रेशर के इक्वल हो जाएगा. लेट्स से मैं इसको ना लिख के मैं इस पूरी टर्म को ही लिख देता हूं यहाँ पे, दैट इज 30,000 डिवाइड बाय 0.0314 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स ऑन प्लंजर अपॉन एरिया ऑफ प्लंजर. ठीक है, जो प्रेशर ऑन द प्लंजर है वो क्या है, प्रेशर ऑन प्लंजर वही होगा जो प्रेशर रैम की वजह से हो रहा है क्योंकि इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है. तो या तो ये संख्या पूरी की पूरी यहाँ लिख दो आप, और नहीं तो ये टर्म लिख. ठीक है ना, भले आप जैसे भी कर सकते हो. फोर्स हमको निकालना है तो मैं फोर्स को ऐसे ही रखूंगा, फोर्स ऑन प्लंजर को अननोन रखूंगा मैं. ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको आगे खिसका देता हूँ. फोर्स ऑन प्लंजर को मैं वही रखूंगा. ठीक है, ऊपर ही. ठीक है, एंड आर डिवाइडेड बाय द एरिया. एरिया ऑफ प्लंजर कितना है यहाँ पे, ये अपन ने अभी जस्ट निकाला है, 7.068 इनटू 10 टू पावर माइनस 4. ठीक है, फोर्स ऑन प्लंजर विल बी इक्वल टू, अब आप मैथमेटिक्स आप लोगों ने पढ़ी है तो सिंपल सा कैलकुलेशन है हमारा. ठीक है, इस टर्म को सीधा का सीधा आप क्या कर लो, बोले इससे मल्टीप्लाई कर. ठीक है ना, आइदर वे यू कैन वर्क आउट. ठीक है, 9.55414.01 multiplied by bracket start 7.068 into 10 to power minus 4. We'll get around 675.28 newton. Okay, तो ये आ गया आंसर हमारे पास. ठीक है, as simple as that. ठीक है, आपको स्क्रीन शेयर करा देता हूँ मैं ताकि हमारा आंसर क्रॉस चेक हो जाए. ठीक है, You can see कि हमारे पास जो आंसर है वो कितना है, 675.2, है ना. तो सिंपल ही था, कोई ज्यादा टिपिकल था नहीं, है ना. तो यू कैन डू इट आइदर वे, आपको जैसे भी समझ में आए वैसे आप कर सकते हो. आपको अगर यहाँ सिर्फ 30,000 और 0.034 को यहाँ लिखना तो यहाँ लिख दो, नहीं तो टर्म लिखनी तो सीधी टर्म लिख.
ठीक है ना, तो कैसे भी आप जैसा करना चाहो कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कैलकुलेट द प्रेशर ड्यू टू कॉलम ऑफ 0.3 ऑफ 0.3 मीटर लिखना चाह रहे थे, लिखा नहीं है, 0.3 मीटर ऑफ वाटर एंड ऑयल मर्करी टेक डेंसिटी ऑफ वाटर इज जीरो। सर ये क्या क्वेश्चन हुआ? कॉलम क्या होता है? देखो कॉलम क्या है, किसी एक पानी की या जो भी, अगर पानी की बात हो रही तो पानी का क्या है, एक हाइट है, 0.3 मीटर की वाटर की हाइट है, मतलब वाटर की हाइट 0.3 मीटर तक भरी हुई है, तो जैसे लाइक अ कॉलम, एक ट्यूब जैसे, ठीक है। सेम गोज विद द बी, बी में उन्होंने ऑयल के बारे में दे रखा है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं इसको, ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं क्या। तो मैं पहले गिवन चीजें लिखना, ठीक है ना, वाटर दे गिवन थिंग्स, तो सॉल्यूशन सेकंड करके मैं गिवन चीजें लिख देता हूँ। मेरे पास है हाइट, मेरे को हाइट दे रखी है फ्लूड की, ठीक है ना, वो फ्लूड कुछ भी हो सकता है क्योंकि तीन केसेस दे रखे हैं। तो हाइट है मेरे पास 0.3 मीटर, ठीक है, एक बार है मेरे पास वाटर, ठीक है, एक बार है मेरे पास ऑयल और एक बार मरकरी, ठीक है, ऑयल है मेरे पास, ठीक है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जी दे रखी है 0.8, और एक है मेरे पास दैट इज मरकरी, ठीक है, मर्क्यूरी है, हो गया मेरे पास, दैट इज जिसका जी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्वेश्चन में गिवन है 13.6। इन्होंने सिर्फ वाटर की हमको डेंसिटी दे रखी है, दैट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। सर निकालना क्या है, निकालना है हमको प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू वाटर, ठीक है, ये हमको यहाँ पे निकालना है, प्रेशर ड्यू टू ऑयल निकालना है हमको, ठीक है, एंड प्रेशर ड्यू टू HG लिख देता हूँ, मरकरी हमको निकालना, ठीक है ना, ये तीनों चीजें हमको निकालनी है करके, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और सो वेल यूज द फॉर्मूला प्रेशर इज इक्वल टू रो जी जेड बोलो बुक के अनुसार, या आप रो जी एच बोलो, ठीक है ना, जो भी बोलना चाहो, लेट्स से मैं रो जी एच बोलता हूँ, मुझे रो जी एच पसंद, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पानी के लिए निकाल देते हैं, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इनको एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे मेरा वाटर का चल जाएगा और इधर मेरा ऑयल का चल जाएगा, ठीक है, मेरा काम फटाफट फटाफट होता है। चलो तो प्रेशर फॉर वाटर PW लिख देता हूं मैं इसको, इज इक्वल टू रो जी एच, रो इज द डेंसिटी, पानी की डेंसिटी हमको दे रखी है 1000 होती है, मैं इसको 10^3 लिख देता हूं यहाँ पे, जी 9.81 होगा आपका, उसको लिख देता हूँ, हाइट, हाइट तो हमको दे रखी है 0.3 मीटर, अगर सेंटीमीटर में दे रखी होगा तो चेंज इट, है ना, इसको चेंज करना, तो अपना वैसे 0.3 मीटर है, तो वरी अबाउट इट, आई जस्ट राइट काउंट, ठीक है, आई प्रेस इट कॉल टेक माई कैलकुलेटर, ठीक है, मैं कैलकुलेटर क्लिक करूंगा, कैलकुलेटर में अपन 10^3 क्यूब का सीधा ऑप्शन होता है, यहाँ से 10^3 कर सकते, इंटू 9.81 इंटू 0.3, ठीक है, और प्रेस इक्वल, 2943 इज द आंसर, 2943 प्रेशर है, तो इट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, आपके पास क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नाउ अब ये बहुत बड़ा भी आ रहा है, जैसे 2943 बहुत ज्यादा है, तो अगर आप इसको छोटा करना चाहो साइज में तो आप छोटा भी कर सकते हो इसको, अगर किसी आंसर को थोड़ा छोटे वे में शो करना है तो आप उसके नीचे की यूनिट्स को चेंज कर, मीटर स्क्वायर को आप लेट्स से सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे 10^4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट विल बी अराउंड 0.2943 न्यूटन पर सेंटीमीटर। सर अगर ऐसा नहीं करें तो कोई बात नहीं, आप सही हो, मैं बस एक तरीका बता रहा हूँ आंसर शो करने। सेम गोज विद द ऑयल, पी ऑयल लिख देता हूँ, इज इक्वल टू रो ऑफ ऑयल जी एच, ठीक है, तो रो ऑफ ऑयल, अब रो ऑफ ऑयल कैसे निकालेंगे, हमारे पास रो ऑफ ऑयल तो है नहीं, हमारे पास तो जी ऑफ ऑयल है, दैट इज 0.8, है ना, ये 0.8, तो सिंपल है, मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है ना, सो आई विल हैव, मैं यहाँ पे पहले रो लिख देता हूँ, रो ऑफ ऑयल विल बी इक्वल टू दैट इज 0.8 इंटू 1000, ठीक है, मैंने रीजन आपको पहले बताया, तो इट विल बी अराउंड 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नाउ अपन पी ऑयल अब निकाल देते हैं, ठीक है, तो P oil will be equal to, that is 800 multiplied by G 9.81 multiplied by the height that is 0.3, ठीक है, I'll get the answer, calculator 800 into 9.81 into 0.3, I'll get around 2354.4, फिर से ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, अगर छोटा करना है तो 0.2354 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर चला गया, ठीक है, इट विल बी लाइक दिस। सेम गोज विद द मर्करी आल्सो, पी एच जी विल बी इक्वल टू रो ऑफ एच जी,
एंड जी इंटू एच, ठीक है। तो पहले अपन रो निकाल देते हैं मरकरी का, ठीक है, वो हो जाएगा हमारे पास 13.6 इंटू 10 टू पावर 3, तो दैट विल बी अराउंड 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फिर पी एच जी निकल जाएगा हमारे पास 13600, दैट इज रो मल्टीप्लाई बाय जी 9.81 मल्टीप्लाई बाय योर हाइट दैट इज 0.3, ओके। वैसे ही हमको निकालना है इसमें भी, तो इसमें आंसर आ रहा है अराउंड 40025 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कन्वर्टेड इनटू द स्मॉलर यूनिट्स यू विल गेट अराउंड 4.002 न्यूटन पर सेंटीमीटर, ओके। सो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा, दैट इज पी ऑफ एच जी जो होगा वो आपके पास आ गया 4.002, और ऑयल की वजह से आ गया आपके पास दैट इज 0.235 न्यूटन पर सेंटीमीटर वाले को बॉक्स बना रहा हूँ, आप मीटर वाले को भी बना सकते हैं, नॉट नीड टू वरी अबाउट, ठीक है ना। ये हो गया वाटर की वजह से, ठीक है, ये हो गया हमारा ऑयल की वजह से, ठीक है, और ये हो गया हमारा मरकरी की वजह से। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पानी उतना ही भरा हुआ है, ठीक है। मतलब लेट से आप समझ सकते हो कि कोई कॉलम है, ठीक है, उसके अंदर हमारी चीज भरी हुई है कितनी, 0.3 मीटर की हाइट पर, है ना, और हमसे प्रेशर इस जगह पे पूछा जा रहा है एकदम बॉटम, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक बार तो वाटर भरा हुआ, एक बार ऑयल भरा हुआ, एक बार मर्क्यूरी भरा हुआ, तो कहानी से ये शिक्षा मिलती है, अगर आप आंसर देखो तो ये पानी है 0.29, ये है 0.23 ऑयल, और मर्क्यूरी कितना है 4.08 न्यूटन, तो ज्यादा प्रेशर कौन लगा रहा है, ज्यादा प्रेशर लगा रहा है मर्क्यूरी। तो हम कह सकते हैं कि मर्क्यूरी को क्या आता है, मर्क्यूरी अपने बॉटम पे ज्यादा प्रेशर लगा रहा है रिलेशन टू वाटर एंड ऑयल। वो वाटर ऑयल का कंपैरिजन करें तो हमारा जो ऑयल है वो थोड़ा कम है वाटर के रिलेशन, ठीक है, वाटर थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगा रहा है, दैट इज 0.29 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये रोजी एच वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, आपकी पूरी लाइफ में, सिविल इंजीनियरिंग की लाइफ में ये बहुत यूज आने वाला है, ठीक है, क्योंकि जब भी आप टैंक वगैरह डिजाइन करोगे तो उसके बॉटम में कितना प्रेशर जनरेट होगा, जब फुल होगा तो आपको इस्तेमाल करने में यहाँ आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको इंटेंसिटी मिलेगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। वो लोड आप आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं या अगर आप मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे हो आप उसमें लगा सकते हो, और वहां से आप क्या कर सकते हो, दूसरी चीजें निकाल सकते हो, ठीक है ना। सो विल लुक ऑन टू दिस प्रॉब्लम नंबर 25, है ना, एंड आई विल राइट द गिवन थिंग्स, सॉल्यूशन 3 लिख देता हूँ इसको, ठीक है। एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, हमको ऑयल दे रखा है और ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 दे रखी है, मैं गिवन चीजें लिख देता हूँ, और ऑयल की जो हाइट है, ठीक है, लेट्स से मैं उसको लिख देता हूँ हाइट ओ, हाइट ओ मतलब दैट इज हाइट ऑफ ऑयल, इट इज कमिंग अराउंड एज 40 मीटर, क्वेश्चन में दे रखा है। अरे पूछ रहा है कि आपको पानी की हाइट निकालनी है, दैट इज द हाइट फॉर वाटर कितना, ठीक है, फॉर्मूला वही लगाएगा, दैट इज पी इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है ना। बस इसमें क्या होगा, जो प्रेशर ऑयल का आएगा ना वो वाटर के इक्वल हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि वाटर जस्ट उसके पास में, ठीक है, मतलब ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, लेट्स से कोई कंटेनर है, ठीक है, और उसके पास में एक छोटी सी आपकी ट्यूब लगी हुई है, ठीक है, ये ऐसे छोटी सी ट्यूब लगी हुई है, ठीक है, इसमें तो ऑयल है आपका, बट इसके अंदर आपका वाटर है, ठीक है, और ऑयल की जो हाइट है वो आपको दे रखी है अराउंड जैसे 40 मीटर, ठीक है, तो जो भी जितना ज्यादा वेट होगा, इधर भी जितना ज्यादा ऑयल का वेट होगा, पानी यहाँ पे क्या करेगा, ऊपर की तरफ खिसकने की कोशिश करेगा, तो इसकी हाइट की वजह से पानी की कितनी हाइट होगी ये पूछना चाह रहे, ठीक है, तो मैं स्टॉप शेयर कर देता हूँ एक बार, ठीक है, और मैं तुमको ये दिखा देता हूँ। तो ऑयल इज हैविंग जी 0.9, एच जी इज 40 मीटर, एच डब्ल्यू दैट इज हाइट ऑफ वाटर, हमको निकालना, ऐसा हमारा डायग्राम, 40 मीटर की ऑयल की हाइट है, अगर जो भी ऑयल लोड लगाएगा तो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ वाटर पे भी ट्रांसफर होगा, तो वाटर यहाँ से क्या करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, या ऊपर या नीचे जिधर भी जाने की कोशिश करता है, जैसे जैसे हम इधर लोड बढ़ाएंगे, अभी 40 मीटर का है, तो ऑल राइट, प्रेशर ड्यू टू ऑयल विल बी इक्वल टू रो ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू एच, ठीक है, दैट इज रो जी एच, रो ऑफ ऑयल तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास 0.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी था, मल्टीप्लाई 0.9 बाय दी 1000, ठीक है, दैट विल बी अराउंड 900, जी हो गया 9.81 एंड हाइट हमको 40 मीटर दे रखी है, जस्ट वेट 40 मीटर, ठीक है, तो हो जाएगा 900 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय 40, ठीक है, तो अभी अगर आप कैलकुलेशन करोगे कैलकुलेटर से तो यू विल गेट अराउंड 900 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय 40, 353160
35310 सर, बहुत ही ज्यादा बड़ा रहा आएगा, 40 मीटर की हाइट है, 1 मीटर देखो हाथ पे करके कितना होता है, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस विल बी प्रेशर जनरेटेड बाय ऑयल। नाउ अपन को क्या निकालना, हाइट ऑफ वाटर निकालना है, तो प्रेशर ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू रो ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय एच। अब प्रेशर ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ वही प्रेशर होगा जो ऑयल का प्रेशर है, तो इट विल बी 35310 इक्वल टू रो ऑफ वाटर, रो ऑफ वाटर होता है 1000, जी होता है 9.81, और हाइट ऑफ वाटर तुमको निकालना है, तो मैं हाइट ऑफ वाटर को अननोन कर दूंगा, मैं हाइट ऑफ वाटर लिख दूंगा, बस कुछ नहीं करना, सिंपल से अपनी मैथमेटिक्स लगाओ, 353160 डिवाइड बाय 10^3 मल्टीप्लाई बाय 9.81 इज इक्वल टू हाइट ऑफ वाटर। ठीक है, जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अराउंड 36 मीटर, ध्यान रखना 36 मीटर किसका, वाटर का था, 36 मीटर ऑफ वाटर। ठीक है, सो ये आपका आ गया आंसर, दैट इज अगर ऑयल 40 मीटर का तो पानी की हाइट कितनी बढ़ जाएगी हमारे पास, 36 मीटर। इक्वल प्रेशर्स पे ऐसा हाइट वैरी करता है, ठीक है ना, तो बहुत बार अगर आप लोग कहीं पे देखोगे ना, कहीं मतलब किसी चीज का अगर प्रेशर का रिकमेंडेशन होगा तो वहां पे ऐसा लिखा होता है बहुत जगह पे, दैट इज 36 mm ऑफ HG। जैसे मैंने कल ही आपको प्रेशर मेजरमेंट के डिवाइसेस बताई थी, तो उसमें था, तो बहुत बार ऐसे भी प्रेशर को डिनोट किया जाता है, दैट इज 20 मीटर कॉलम ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब उस जगह पे इतना प्रेशर है कि अगर आप एक ट्यूब डालोगे वहां पे तो उसके अंदर 20 मीटर तक पानी चढ़ सकता है, ठीक है ना, उतना हाइट रहता है उसका, इतना प्रेशर। ठीक है, तो ये प्रेशर हेड के केस में डिनोट होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, प्रेशर हेड। ठीक है, तो कहां वहां पे कितना प्रेशर का हेड है, ऐसे डिनोट। ठीक है, तो ये लॉजिक्स हैं जो आपके आगे बहुत यूज आने वाले हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लासेस में, तो इनको थोड़ा आप अच्छे से पढ़ना है। चलो, सो वी आर हैविंग अ टैंक, उसमें हमारे पास ऑयल है, जस्ट स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 4। ठीक है, टैंक बना देता हूँ, आप जब भी एग्जाम में बनाओ ना तो डायग्राम बनाना, ठीक है ना, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर और उसके ऊपर हमारे पास ऑयल। ठीक है, ऑयल की जो हाइट है हमारे पास वो है 1 मीटर, और जो वाटर की हाइट है वो है हमारे पास अराउंड 2 मीटर। हमको एक पॉइंट ए दैट इज जंक्शन पे हमको प्रेशर निकालना है, और एक बॉटम पे हमको दैट इज बी पे प्रेशर निकालना। ठीक है, इसको बड़ा कर देते सो दैट यू कैन इजीली गेट टू सी इट। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये तो निकाल देते हैं एट इंटरफेस ए। ठीक है, एट इंटरफेस ए इट विल बी इक्वल टू रो जी एच। अब क्योंकि यहाँ पे अपने पास दो एच है, दैट इज एक एच या भी है 1 मीटर, एक एच भी, लेट्स इसको अपन बोल देते हैं H1 और इसको अपन बोल देते हैं H2। ठीक है, और क्योंकि डेंसिटी भी दो है तो एक अपन लिख देते हैं रो ऑयल और एक हो जाएगा हमारा रो वाटर। ठीक है, तो इंटरफेस ए के ऊपर कौन सा रो आएगा, इंटरफेस ए के ऊपर सिर्फ ऑयल का ही आएगा। ठीक है ना, तो आई विल जस्ट राइट इट रो ऑयल, क्योंकि उसके ऊपर तो ऑयल ही है, जी इंटू H1। ठीक है, यहाँ पे एच भी 1 ही है। ठीक है, तो रो ऑयल हो जाएगा हमारे पास, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्वेश्चन ने दे रखी है अराउंड 0.9 की, तो इट विल बी 900। ठीक है, इंटू 1000 करेंगे अपन तो, और जी हो जाएगा 9.81, H1 हो जाएगा हमारे पास 1 मीटर। ठीक है, तो व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट वी आर गोइंग टू गेट, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आंसर विल बी 8829 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली फॉर द बॉटम, बॉटम पे कितना होगा, ठीक है ना, एट द बॉटम, बॉटम पे टेस्ट ये होगा क्योंकि बॉटम पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर ऑयल का भी आ रहा है और वाटर का भी आ रहा है। ठीक है, तो दोनों प्लस होंगे, दैट इज रो ऑयल जी H1, ये पूरा एक होगा ऑयल का, प्लस रो ऑफ वाटर जी H2। ठीक है ना, जी H2 लिख देंगे हम लोग यहाँ पे सिंपल, तो आप यहाँ से ये तो टर्म हमारे पास पूरी की पूरी पड़ी है 8829। ठीक है, इसको ऐसा कैसा रख देंगे, प्लस रो ऑफ वाटर था 10^3 इंटू 9.81 इंटू उसकी हाइट है दैट इज 2 मीटर, 2 मीटर हमारे पास हाइट है। ठीक है, आई जस्ट कैलकुलेट इट, और जो उसको कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट अराउंड 28449 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, if you want to change it into the smaller unit, just divide it by 10^4 to convert it into the newton per centimeter square, so it will be around 2.84 newton per centimeter square. Okay, so this is our total pressure at the bottom and this is our pressure at the junction, dono ke beech mein junction kitna kitna,
ठीक है ना, इज एज सिंपल एज दैट। शेयर कर देते हैं, मैं तुमको आंसर शेयर कर देता हूँ, ठीक है। यू कैन सी यहाँ पे आंसर है 0.8829, दैट इज 0.8829, मतलब सेंटीमीटर में, अपन ने मीटर में रख रखा, ठीक है। तो ये रहा 8829 अपना मीटर वाला, और इधर भी हो गया अपना 2.8449 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये होता है रोजीएच, बहुत ज्यादा यूज आएगा, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको सिविल इंजीनियरिंग में जहां जहां पे कहीं पे हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट्स बन रहे हो तो वहां पे ये फॉर्मूला बहुत हैंडी रहता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है।